हिंदुस्तान का हर देशवासी अपने इस झंडे से जितना प्यार करता है उतना ही उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए मेहनत भी करता है। इस झंडे की आन बान शान को बनाए रखने के लिए अब तक हजारों सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी है। झंडे के मौजूदा स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया, तब से झंडे का यही डिजाइन है। हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे के नाम के अनुसार तीन अलग अलग रंग की पट्टियां दी गई है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। वही बीच में सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। वहीं झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 का है। झंडे के बीच में सफेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है। मगर क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में पहला झंडा कब फहराया गया? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। आज़ादी से पहले 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में पहला ध्वज फहराया गया, जिसे उस समय क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज की संज्ञा दी थी। इस ध्वज में हरे पीले और लाल रंग की पट्टियां थी। हरे रंग की पट्टी पर जहां कमल का फूल था, वहीं बीच में पीले रंग पर वंदे मातरम व लाल रंग पर चांद सूरज बने थे। देश का दूसरा झंडा पेरिस में फहराया गया था। हालांकि इसके समय को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि क्रांतिकारी मैडम कामा और उनके साथियों द्वारा यह झंडा 1907 में फहराया गया था। वहीं कुछ का कहना है कि यह घटना 1905 में हुई थी। यह ध्वज भी रंग में पहले जैसा ही था, लेकिन डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया गया था। इसके ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल और 7 तारे थे जो सप्त ऋषि तारे को दर्शाते हैं। यह झंडा बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। देश का तीसरा झंडा घरेलू शासन आंदोलन के दौरान डॉक्टर एनी बिसेंट और लोकमान्य तिलक ने 1917 में फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां थी। इसमें भी सप्त ऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। वहीं बाईं ओर ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचक्र और सितारा भी था। आंध्र प्रदेश में एक युवक ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में 4th ध्वज फहराया था, जिसे बाद में उसने गांधी जी को सौंप दिया। यह कार्यक्रम साल 1921 में विजयवाड़ा में किया गया था। यह झंडा लाल और हरे रंग से बना था, जिसमें देश के 2 प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व दिया गया था। झंडे को देखने के बाद गांधी जी के सुझाव पर इसमें शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सफेद पट्टी और एक चलता हुआ चरखा जोड़ा गया। 5वें झंडे को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह झंडा अभी वाले झंडे से थोड़ा ही अलग था। इसमें अशोक चक्र की जगह चरखा था, बाकी रंग और उसका अनुपात समान था। इस ध्वज को साल 1931 में लाया गया था। हिंदुस्तान के मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। इसमें सिर्फ एक बदलाव किया गया, चरखे की जगह धर्म चक्र अशोक को रखा गया। तब से आज तक हमारे प्यारे तिरंगे का स्वरूप वही है जिस पर सभी देशवासी गर्व करते हैं।